हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। मैंने लिंक तो शायद अभी भेजा ही नहीं कहीं। हाउ आर यू, रिप्लाई करो आप कैसे हो। हाँ, दिल्ली में कितने का? कितने का? हाँ जी, चेतन करदम। हाय सर जी। हाय भाई साहब। उदय प्रताप, गुड आफ्टरनून। मुस्कान अंसारी, हाय। प्रिंसिपल, गुड इवनिंग सर। नवेद मलिक, हाय सर, गुड आफ्टरनून। निश्चल, गुड आफ्टरनून। अखिल, गुड आफ्टरनून। श्वेता, गुड आफ्टरनून। मुस्कान अंसारी, सानिया खान, अर्नव। मनस्वी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कीर्ति। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेसिकली। चिरंजीव दीपांशु, गुड आफ्टरनून। चलिए क्वेश्चन है, एयरफील्ड पीपीसी, मतलब पीपीसी मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विच कैन स्टोर 12 माइक्रो कूलम। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चार्ज कितना हो सकता है उस पर? 12 माइक्रो कूलम, और वी कितना? 1200 वोल्ट सप्लाई। कैलकुलेट मिनिमम एरिया ऑफ प्लेट रिक्वायर्ड टू डिजाइन दिस कैपेसिटर, और डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो बियर कर सकता है वो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है। तो आप देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में ई कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट, पता है आपको? और सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए। हमसे क्या पूछा है? मिनिमम एरिया। तो ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट ई। ए मिनिमम कब होगा? जब ई क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो क्यू कितना दिया आपको? 12 माइक्रो कूलम, और 4 पाई से कर दो मल्टीप्लाई और 4 पाई से कर दो डिवाइड, थोड़ा इजी हो जाएगा। इंटू ई मैक्सिमम कितना दिया आपको? 3 × 10⁶। तो ये आपका ए आ रहा है 12 × 10⁻⁶ इंटू 4 पाई, 1/4 पाई एफरेंट वैल्यू 9⁻⁹ अपॉन 3 × 10⁶। 3, 4 जा 12, ये कितना हो जाएगा? 12 माइनस 12,
माइनस थ्री, निकाल लेना 144 पाए इंटू टेन एस पर माइनस थ्री मीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर। क्लियर है? गुड इवनिंग स्नेहा, गुड इवनिंग अभिषेक, क्लियर हो गया? वोल्टेज आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई यूज नहीं है यहां पर, ठीक। चलिए नेक्स्ट, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस इज सी एंड टू सी चार्ज बाय सेम पोटेंशियल वी, सी को भी पोटेंशियल वी से चार्ज किया है और टू सी वाले को भी पोटेंशियल वी से चार्ज किया है। नाउ दीज टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंसर्टेड इन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी। आपने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और जो कैपिटल सी वाला है इसके बीच में आपने के डायलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया, तो कैपेसिटी कितनी आएगी इसकी, सी के या के सी, इसकी क्या रहेगी, टू सी रहेगी। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर सेम ही आएगा, तो V इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या है, सी वन वी वन प्लस माइनस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। ये कैपेसिटी क्या है, फाइनल कैपेसिटी है। और प्लस कब लेते हैं, सिमिलर प्लेट्स कनेक्ट किए हैं, माइनस कब लेते हैं, जब डिससिमिलर प्लेट्स कनेक्ट किए हैं, और यदि कुछ भी नहीं दिया तो सिमिलर प्लेट मानेंगे आप। तो देखिए V इज इक्वल टू सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, तो हमारा वी सी कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया, वी सी आ गया, सी वन कितना दे रखा है इसका सी, वी कितना वी, सी टू कितना टू सी, वी कितना वी, इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई कनेक्ट करने के बाद फिल किया डायलेक्ट्रिक आपने, तो कितनी आ गई सी के प्लस टू सी, तो वी सी आ गया हमारा थ्री सी वी, सी कॉमन ले लिया के प्लस टू, तो हमारा आंसर आ गया थ्री वी अपॉन के प्लस टू, दैट इज द आंसर। जहां समझ में ना आए वहां बोल दिया कीजिए आप लोग। गुड इवनिंग मयंक, वैभव गुड इवनिंग सर, आज आप फाइनल बता दो, मॉडर्न ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाओगे, दोनों पढ़ा देंगे भाई साहब। अरे आदिल, आदिल, अर्जुन, आदिल कहाँ है, इसे कह दो अमित से बात करके इसको साइबर वाले में केस में दे दें, बच्चा आए इसका इलाज हो जाएगा ठीक से ना, क्योंकि वही बच्चा आएगा और चेक करके ना इसे, उनको बात हो गई है उनसे बात कर लेंगे, करते हैं बेटा आपका सोल्यूशन निकालते हैं मयंक शर्मा जी, बहुत बड़े सोल्यूशन निकालेंगे आपका। ताउम्र याद रखेंगे आप, चिंता ना करें। इन टू आइडेंटिकल पीपीसी वन इज एयर फिल्ड एंड अदर इज फिल्ड बाय मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, टू आइडेंटिकल पीपीसी है और दोनों की कैपेसिटी इसका मतलब सी है, एयर फिल्ड एंड अदर इज फिल्ड बाय मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसकी क्या है सी के होगी कैपेसिटी। एयर फिल्ड पीपीसी इज चार्ज बाय पोटेंशियल वी, बट एयरफील्ड पीपीसी इज अनचार्ज्ड, नहीं, एयरफील्ड पीपीसी इज चार्ज बाय पोटेंशियल वी, गलत लिखा है। मयंक शर्मा जी आपका ऐसा इलाज करेंगे कि आप बहुत लंबे समय तक हमें याद रखेंगे। हो सकता है ताउम्र याद रखें। एयरफील्ड पीपीसी चार्ज बाय वी बट मीडियम फील्ड पीपीसी,
बट मीडियम फील्ड पीपीसी इज अनचार्ज, इसका पोटेंशियल कितना है? जीरो. व्हेन दीज टू पीपीसी आर कनेक्टेड टूगेदर देन कॉमन पोटेंशियल आपने बताना है. तो वही है, दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया, इसका सी है, इसका सी के है. तो वीसी कितना होता है? वीसी होता है सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू प्लस सी वन प्लस सी टू. हमने तो पहले ही फिल कर दिया था, बाद में थोड़ी फिल किया हमने. फाइनल कैपेसिटी सेम रहेगी. वीसी इज इक्वल टू सी वन कितना सी, वी वन कितना वी, सी टू कितना सी के, वी टू कितना जीरो, और उसका सी और उसका क्या सी के. तो सी वी इज इक्वल टू सी वन प्लस के. तो वी सी कितना आ गया? वी अपॉन वन प्लस के. आंसर आ रहा है हमारा कॉमन पोटेंशियल वी डैश. अच्छा अच्छा, हमें निकालना है के की वैल्यू. तो वी सी कितना है हमारा? वी डैश है, वी अपॉन वन प्लस के. तो वन प्लस के इज इक्वल टू वी अपॉन वी डैश, के इज इक्वल टू वी अपॉन वी डैश माइनस वन. तो v माइनस वी डैश अपॉन वी डैश, आपका आंसर आ गया k इज इक्वल टू वी माइनस वी डैश अपॉन वी डैश. दैट इज द आंसर, k आ गया v माइनस वी डैश अपॉन वी डैश. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. जहां भी डाउट हो हल्का सा बोल देना बच्चों. एक ही टाइप चल रही है, इसी पर टाइप क्वेश्चन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, इसी पर बेस्ड है सारे, इसी पे आपको ध्यान रखना है. ध्रुवस्तोई गुड इवनिंग, लेट आयो आज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. आज का क्वेश्चन नंबर फोर. टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस इस 6 माइक्रोफेरेड एंड 3 माइक्रोफेरेड. एक का है 6 माइक्रोफेरेड, दूसरे का है 3 माइक्रोफेरेड, आर चार्ज बाय सेम पोटेंशियल 2V. नाउ दीज टू कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल सच दैट देयर डिसिमिलर प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर. डिसिमिलर प्लेट्स है, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ईच कैपेसिटर. तो VC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 V1 वी वन माइनस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू. तो VC आ गया, C1 कितना है आपका? 6 इंटू टेन इस पर माइनस 6, वैसे तो कैंसिल हो जाएंगे लेकिन चलो कोई बात नहीं, आदत खराब नहीं करते. माइनस 3 इंटू टेन रेस पर माइनस 6 इंटू वी टू कितना? 2V अपॉन 6 प्लस 3 इंटू टेन रेस पर माइनस 6. तो VC आ गया आपका, ये तो कैंसिल हो जाएंगे सारे कॉमन लेकर. 12 माइनस 6 अपॉन 9, 6 अपॉन 9, 2/3 वोल्ट. दैट इज द आंसर. आंसर क्या आ गया? 2/3 वोल्ट. कितना रहा आंसर? 2/3 वोल्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लियर है बच्चों? एक बार लिख दें क्लियर है या नहीं है आपको, जल्दी से मैसेज लिख दें. चलिए चलिए क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स आर 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. एक की है 2 सेंटीमीटर
और एक की है 3 सेंटीमीटर एंड टोटल चार्ज गिवन टू बोथ स्फीयर्स, ये Q1 है ये Q2 है, टोटल चार्ज गिवन टू बोथ टू स्फीयर्स Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 150 माइक्रोकूलम। व्हेन दीज टू स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय वायर देन कैलकुलेट कॉमन पोटेंशियल, वही है कॉमन पोटेंशियल बच्चों, बेसिकली C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 है और VC इज इक्वल टू ये Q1 है ये Q2 है अपॉन C1 प्लस C2 और C1 होता है कंडक्टिंग स्फीयर का 4πε0R1 और C2 हो जाएगा 4πε0R2। तो VC बेसिकली हमारा कितना आ गया Q1 प्लस Q2 अपॉन 4πε0R1 प्लस R2। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितना है 150 माइक्रोकूलम और 1/4πε0 9×10⁻⁹ R1 प्लस R2 2 प्लस 3 सेंटीमीटर में है × 10⁻²। VC इज इक्वल टू 150 × 9 × 10⁻³ और ये कितना हो जाएगा 5/5 270 × 10⁵। ये 27 × 10⁵ वोल्ट, दैट इज द आंसर 27 × 10⁶, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है चार्जेस ऑन टू स्फीयर्स आर 10 माइक्रोकूलम, टू स्फीयर्स है इस पर कितना है 10 माइक्रोकूलम और इस पर कितना है 5 माइक्रोकूलम एंड देयर रेडियाई आर 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। व्हेन दीज टू स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय वायर देन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड थ्रू कनेक्टिंग वायर। देखिए एक बात समझें, जब आप इन्हें कनेक्ट करेंगे तो चार्ज आएगा Q1 CV होता है तो C1 VC, Q2 C2 VC, VC निकालना नहीं पड़ेगा यहां पर आपको, Q1 upon Q2 इज इक्वल टू C1 upon C2, स्फीयर है ना इसलिए इजी हो जाएगा हमारे लिए और ये क्या हो गया 4πε0R1/4πε0R2, ये नया चार्ज आ गया इन पर, तो Q1 upon Q2 इज इक्वल टू R1 upon R2 इज इक्वल टू 2/3, तो Q1 upon Q2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2/3। एक मेथड बताया था मैंने आपको, देखो Q1 प्लस Q2, ये Q1 है और ये Q2 है, जो हमारे पास टोटल चार्ज तो कंजर्व ही रहेगा Q1 प्लस Q2 वो कंजर्व रहता है चाहे बाद में हो या पहले हो 10+5 माइक्रोकूलम, तो टोटल कितना है हमारे पास 15 माइक्रोकूलम। ये मेथड मैं आपको पहले बता चुका हूं जो यूज कर रहा हूं, Q1 इज इक्वल टू 2 है ना सामने, 2/ दोनों का सम 2+3 इंटू इन दोनों का सम, वो तो वही है कितना है 15 है, तो कितना आ गया 6 माइक्रोकूलम और Q2 कितना आ गया 3/ दोनों का सम इंटू टोटल 15 कितना आ गया 9 आ गया। कितना ट्रांसफर हुआ इसके पास 10 था, 10 से इसमें कितना चला गया 4 चला गया, इस पर कितना लग गया 6, इस पर कितना हो गया 9, तो चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड हाउ मच, चार्ज ट्रांसफर्ड कितना हुआ, चार्ज ट्रांसफर्ड हुआ 10-6 4 माइक्रो कूलम,
फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, फर्स्ट से सेकेंड पर ट्रांसफर हुआ है 4 माइक्रोकूलम। इज इट क्लियर? डाउट तो नहीं किसी को? चलिए, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 7, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस इज 3 एंड 2, 3 माइक्रोफेरेड एंड 2 माइक्रोफेरेड, दो कैपेसिटर्स है हमारे पास, 3 माइक्रोफेरेड एंड 2 माइक्रोफेरेड आर चार्ज्ड बाय 300 वोल्ट एंड 200 वोल्ट। Now these two capacitors are connected in parallel such that their dissimilar plates are connected. Calculate amount of charge transferred through connecting wire. देखिए, पहले तो हम कॉमन पोटेंशियल निकाल लें। C1 V1 dissimilar प्लेट है, C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो VC कितना आ गया? अब माइक्रो में रखा हूं, माइक्रोफेरेड में, नीचे कैंसिल हो जाएगा। 3 × 300 प्लस 2 × 200 अपॉन 3 प्लस 2, तो वीसी कितना आ गया? 900 प्लस 400 1300 अपॉन 5। गड़बड़ से लग रहा है मुझे, आंसर कभी आया नहीं है। 3 × 200 300 एंड 2 × 200, अच्छा माइनस कर रहे थे ना, तो वीसी कितना आ गया? 900 माइनस 400 500 अपॉन 5 कितना आ गया? 100 वोल्ट। पहले Q1 कितना था इसके पास? 900 माइक्रोफेरेड, और Q2 कितना था CV से? 400 माइक्रो कूलम। अब नया कितना आ गया? Q1 डैश कितना आ गया? C1 × VC, C1 कितना? 3, और VC कितना? 100, तो Q1 डैश कितना आ गया? 300 माइक्रो कूलम। इसका मतलब 600 इसमें चला गया, इसमें इसका कितना आएगा? 700 आएगा इसका। Q2 डैश इज इक्वल टू C2 VC, Q2 डैश C2 2 और VC कितना? गलत क्यों आ रहा है? 3 × 100 कॉमन 100 है, ठीक किया है। 900 माइनस 400 500 अपॉन 5 100 Q1 डैश C1 VC, C1 VC 300 रह गया, तो इससे उसमें चला गया ना, नहीं 600 जाना चाहिए, 2 × 100 मिस्टेक। ये 900, ये 400, 900 माइनस 400 500, 500 अपॉन 5 100, ये आ गया 3 × 100 300, 2 × 100 200, कैसे कैसे हो जाएगा? अच्छा डिसिमिलर प्लेट्स है ना, सॉरी कोई बात नहीं, डिसिमिलर प्लेट्स 200 माइक्रोकूलम, तो इस पर 900 था, वह कितना आ गया? 300। चार्ज ट्रांसफर्ड पूछा है थ्रू कनेक्टिंग वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 900 माइनस 300 इज इक्वल टू कितना आ गया? 600 माइक्रोकूलम, दैट इज द आंसर। आंसर क्या आ रहा है? 600 माइक्रोकूलम। क्लियर है? चलिए, डाउट तो नहीं बच्चों किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है डिसिमिलर प्लेट्स है ना, रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स आर 2 cm and 3 cm, दिस इज 2 and this is 3, कनेक्टेड देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द टू स्फीयर्स। आपने कनेक्ट कर दिया,
देखिए कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/4πε0q/r2, यह कितना होगा 1/4πε0q/r × 1/r, ये क्या है हमारा, ये तो v है, तो E is equal to कितना आ गया v/r, दोनों के v तो सेम रहेंगे, यदि आपने दोनों को कनेक्ट कर दिया किसी वायर से तो चार्ज फ्लो करेगा, कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तो v तो सेम है, तो E proportional to 1/r, that is E1/E2 is equal to क्या आ गया R2/R1, तो E1/E2 आ गया, R2 कितना है आपका 3, R1 कितना है 2, तो आंसर इज 3:2, दैट इज द आंसर। उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कितना आ गया 3:2, कितना आ गया बच्चों 3:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Two capacitors of capacitances 6 and 3 microfarad, एक है 6 microfarad और एक है 3 microfarad, are charged by 3V and 6V potential. Now these two capacitors are connected together, then calculate total energy before and after connection. देखो पहले कितनी एनर्जी थी बिफोर कनेक्शन, यू इनिशियल हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2² तो यू इनिशियल कितना आ गया हाफ C1 6×10⁻⁶ V1 कितना 3 प्लस हाफ C2 कितना 3×10⁻⁶ और V2 कितना 6 तो यू इनिशियल आ गया आपका 27×10⁻⁶ प्लस 54×10⁻⁶81×10⁻⁶ जूल, ये तो आ गई आपकी इनिशियल एनर्जी। फाइनल के लिए आपको दोनों का जब कनेक्ट किया है तो आपको कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, तो कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया C1 है 6, V1 है 3, C2 है 3, V2 है 6 अपॉन 6 प्लस 3, 36/9 कितना आ गया 4V, तो फाइनल कितना आ गया हाफ C1VC² प्लस हाफ C2VC², तो यू फाइनल हो गया बच्चों हाफ C1 प्लस C2 × VC² हाफ 6 प्लस 3 × 10⁻⁶ और VC कितना 4² तो यू फाइनल आ गया 9/2×16×10⁻⁶ 72×10⁻⁶ जूल। पूछा क्या इन्होंने बिफोर एंड आफ्टर, दैट इज द आंसर। आंसर इसका आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है इनिशियल है 81×10⁻⁶ और फाइनल कितना है 72×10⁻⁶। आंसर करेक्ट है, क्लियर है बच्चों। कनेक्शन करने से पहले हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2² कनेक्शन करने के बाद कॉमन पोटेंशियल हो गया हाफ C1VC² प्लस हाफ C2VC², तो आपने फाइनल क्या निकाल लिया, इसका इनिशियल और फाइनल निकाल लिया, इसका रेशियो पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है आपसे, क्लियर है। चलिए
डाउट तो नहीं किसी को? देखिए, टू कैपेसिटर्स ऑफ सेम कैपेसिटी सी आर चार्ज बाय सेम पोटेंशियल वी। एक कैपेसिटर ये है सी, पोटेंशियल है इसका वी, दूसरा कैपेसिटर सी, पोटेंशियल हो गया इसका वी। इफ डिसिमिलर प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टूगेदर देन कैलकुलेट कॉमन पोटेंशियल। तो निकाल लीजिए वी सी इज इक्वल टू सी वन वी वन माइनस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। तो कितना आ गया वी सी? सी वी माइनस सी वी अपॉन सी प्लस सी। कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया उनका? जीरो आ गया। कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया आपका? जीरो आ गया। अब देखिए, आपसे पूछा है नेक्स्ट, ये हो गया चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर। तो Q1 डैश इज इक्वल टू C1 VC। तो Q1 डैश इज इक्वल टू C1 जो भी आपका C है, VC कितना हो गया? जीरो। तो दोनों पर चार्ज कितना आ गया? जीरो। C इंटू जीरो जीरो। थर्ड पार्ट है आपका, दिस इज द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका एनर्जी लॉस। तो हमने बताया था डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वन सी टू अपॉन टू सी वन प्लस सी टू इंटू वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर। और मैंने एक बार बताई थी यदि डिससिमिलर प्लेट्स हैं तो वी टू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। वी टू हो जाएगा नेगेटिव। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू सी इंटू सी अपॉन टू सी प्लस सी। और ये कितना आ गया? वी प्लस वी, माइनस लेंगे तो प्लस हो जाएगा, वी प्लस वी होल स्क्वायर। डेल्टा यू इज इक्वल टू टू सी अपॉन फोर सी इंटू टू वी होल स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया डेल्टा यू इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू फोर वी स्क्वायर। तो कितना हुआ? टू वी स्क्वायर। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं, कितना आ गया? टू वी स्क्वायर। सी वी स्क्वायर, क्या गड़बड़ कर दी? सी स्क्वायर था ना ये? अच्छा, ये टू सी कर दिया मैंने, सी स्क्वायर था। तो सी अपॉन फोर, सी अपॉन फोर, फोर से फोर कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया? सी वी स्क्वायर, दैट इज द आंसर। राइट से बोर्ड विजिबल नहीं है, अब देख लो। अब क्लियर दिख जाएगा आपको। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एनर्जी वाले में भी याद रखना है इस कॉन्सेप्ट को। अच्छा एक बात और, डीपीपी का डिस्कशन होगा कल, आपको और मिल जाएंगी। 71 का ही तो होना है बस, कल आपको दो तीन डीपीपी और मिल जाएंगी। इस सब पांच दे दिए मैंने, पांच और दूंगा 10 का मतलब 300 प्लस पीवाईक्यूएस, वही हो जाएंगे 450 टू 500 के बीच में क्वेश्चंस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। अब पीपीसी इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। पीपीसी बैटरी से कनेक्टेड है, तो कल हमने डिस्कस किया था यदि कनेक्टेड है तो वी क्या रहेगा? हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब ये डिस्टेंस ऑफ द प्लेट इंक्रीज कर रहे हैं तो वी तो इंक्रीज हो ही नहीं सकता, क्यू कांस्टेंट रह नहीं सकता, बिकॉज यदि बैटरी को डिस्कनेक्ट करें तब होता। ई होता है वी अपॉन डी, वी तो हमारा कांस्टेंट है, तो ई प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डी है। इसे इंक्रीज कर रहे हैं तो ई क्या होगा? डिक्रीज होगा।
यह भी गलत है। अब एनर्जी की बात करें, एनर्जी है हाफ सी वी स्क्वायर, वी तो कांस्टेंट है, यू प्रोपोर्शनल टू सी, और सी कितना होता है एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी, तो सी प्रोपोर्शनल टू क्या है वन अपॉन डी, डी इंक्रीज किया सी डिक्रीज होगा, सी डिक्रीज होगा तो एनर्जी क्या होगी डिक्रीज होगी, दैट इज द आंसर। एनी डाउट? डाउट किसी बच्चे को क्लियर है? ईशा उपाध्याय तुम भद्र में दिखाई दियो आज। चलिए, मतलब हमारी कोशिश रहेगी कि आपके नियरली जब तक हमारा करेंट पूरा हो 1000+ क्वेश्चंस हम आपको डिस्कस कर सकें। आप सोच का देखना, क्योंकि कैपेसिटी बचा है अभी, 1000+ तो हो ही जाएंगे, वो ज्यादा ही होंगे। हम टोटल 12th की फिजिक्स में आपको रफली 5000 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, और जो बच्चा ऑनेस्टली इन क्वेश्चंस को कर रहा है, जो हम डीपीपी दे रहे हैं, उसे फिजिक्स में कुछ नहीं बचता, बस कुछ काम एडवांस लेवल पे कराना पड़ेगा कुछ सिलेक्टेड बच्चों को, जो बच्चे धीरे धीरे निकल के आएंगे आगे। एक बार जरूर ध्यान रखना, जो 3-4 मेरा बैच चल रहा है, उस बैच के अंदर मैंने यूनिट मेजरमेंट पढ़ा दिया, आज पढ़ा दिया फिजिकल वर्ल्ड, कल 1D स्टार्ट कर रहा हूं, और जो मैंने आप लोगों को 11th में पढ़ाया था उससे जस्ट डबल मैंने चीजों को चेंज किया है, मतलब जो एग्जांपल्स हैं वो काफी बढ़ाए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट भी और एक्स्ट्रा इंक्रीज किए हैं उसके अंदर। तो आप जिन बच्चों के 12th में हैं और 11th वीक है, कल 1D स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 1D से पहले कैलकुलस, वेक्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ्स, ये सब चीज आप ठीक से पढ़कर आना। यहां काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज किया है मैंने इसके अंदर, इधर 12th अच्छे से करते रहो, इधर 11th करते रहो, आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पीपीसी इमर्जिंग केरोसिन ऑयल टैंक, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, या तो वी अपॉन डी होता है, या क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, पहले तो था नहीं, पहले तो के वन था, केरोसिन डालेंगे तो के होगा, तो वन से बढ़ गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा डिक्रीज होगा, मतलब पहले ई नॉट था तो ई नॉट अपॉन के, और यहां केरोसिन का के वन से बड़ा होगा ही होगा, ऑब्वियस है, सबके लिए होता है, तो ये बढ़ा है तो ये क्या होगा डिक्रीज होगा, दैट इज द आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पीपीसी इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, पीपीसी इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 30 वोल्ट, इफ बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड अ मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 6 इज इंसर्टेड इन कैपेसिटर, देन कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। आई थिंक इसमें डायग्राम होगा, इस पर चेक करता हूं, डायग्राम होगा, हाँ इसमें डायग्राम है, और डायग्राम में भी क्या है बेसिकली, ये एक बैटरी है, एक कैपेसिटर ये है, ये की है, ये 30 वोल्ट है, और आई थिंक इनकी कैपेसिटी सेम दी है, ए बी सी, ये डायग्राम नहीं है। क्वेश्चन है बेसिकली, अ पीपीसी इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 30 वोल्ट इफ बैटरी इज डिसकनेक्टेड, इसका मतलब पहले तो दोनों ये K
की ऑन थी? कुछ क्वेश्चन है, मुझे लैंग्वेज में गड़बड़ लग रहा है। इफ स्विच इज ओपन एंड ए मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इंसर्टेड इन बोथ द कैपेसिटर द कैलकुलेट रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी। नहीं नहीं, वो क्वेश्चन अलग है, सॉरी, ये क्वेश्चन अलग है, वो अलग क्वेश्चन है। पीपीसी इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 30 वोल्ट, ये नहीं डायग्राम अगले क्वेश्चन का, और आपने डिस्कनेक्ट कर दिया तो क्यू क्या हो गया? कॉन्स्टेंट हो गया। अब क्यू नहीं बदलेगा इसका, क्यू कॉन्स्टेंट है, और क्यू है कितना? सपोज इसका ये सी है, तो पहले क्यू कितना था? सी वी, तो सी कितना हमारा? सी, और वी कितना? 30। तो हमारा क्यू जो रहेगा 30 सी रहेगा, और ये कॉन्स्टेंट रहेगा बिकॉज बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया है, कुछ नहीं होगा। अब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया एंड ए मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 6 इज इंसर्टेड इन कैपेसिटर। आपने के इज इक्वल टू 6 का डायलेक्ट्रिक इसके अंदर फिल कर दिया। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। पहले पोटेंशियल वी था, कितना था? 30 वोल्ट था। अब पोटेंशियल आपने निकालना है। Q सेम है, Q इज इक्वल टू क्यू डैश, पहले Q कितना? 30 इंटू सी, अब C कितना आ गया? 6 सी इंटू वी डैश। अरे डायलेक्ट्रिक मीडियम फिल करने से कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज होता है ना, तो V डैश कितना आ गया? 5 वोल्ट, दैट इज द आंसर। V डैश कितना आ गया आपका? 5 वोल्ट, दैट इज द आंसर। तो अभी मुझे लगता है क्वेश्चंस काफी हो गए इसमें, कल मैं आपको इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा टाइम इसमें लगेगा। यदि मुझे बाहर जाना पड़ सकता है, यदि मैं नहीं गया तो आज ट्यूजडे है ना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, नेक्स्ट वीक मैं वो मैग्नेट स्टार्ट नहीं करूंगा। अभी मैग्नेट स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले 2-3 दिन इसकी डीपीपी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मॉडर्न तब स्टार्ट करूंगा जब इलेक्ट्रिक करंट की डीपीपी कंप्लीट हो चुकी होंगी, कैपेसिटर की चल रही होंगी और मॉडर्न हम स्टार्ट कर देंगे, वो जल्दी नहीं है। बिकॉज जो भी एक चेंज हो रहा है, आपके एग्जाम नवंबर दिसंबर में जब भी होंगे उसमें हाफ सिलेबस आएगा, तो जो सिलेबस उसमें आएगा उसका 50% तो हमारा कंप्लीट हो गया, बल्कि ज्यादा काम है इसमें, आगे काम कम होगा। तो अब जो चैप्टर आपके बचेंगे वो मैग्नेटिक इफेक्ट, ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर मैग्नेटिज्म और ईएमआई और एसी। तो ये तो हमें उम्मीद है कि अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा आपका ये वाला, पहले हो जाएगा उम्मीद है, 15 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी सेकेंड बुक में टाइम कम लगता है। फिर रिवीजन करा देंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले प्रैक्टिस करा देंगे, तब तक तो ऑफलाइन भी खुल चुका होगा, यदि थर्ड वेव नहीं आई तो इनको ठीक से आप लोग प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है? और हो सकता है आपको मैसेज मिले, मैं कहीं बाहर, मुझे कुछ पर्सनल रीजन से बाहर जाना पड़ सकता है, तो आपको कोई भी क्लास नहीं होगी फिर, एक दिन दो दिन जब भी मैं टाइम लगेगा मुझे कुछ, ठीक है? इतने आप डीपीपी आपको मिल जाएंगे, उनको प्रैक्टिस करते रहिएगा आप लोग। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू अभिषेक चौहान। चलिए, ओके भावना जी, जी वैभव शर्मा जी, ओके निश्चल, वेलकम चिरंजीव जी। चलिए बच्चों, ओके, कल मुलाकात होती है।